फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बंगाली स्टाइल का पुई का भाजी, ये देखिए पुई का भाज पत्ता है और एक बटाटा है और ये बोफला है। आप लोग कद्दू भी बोल सकते हैं, बोफला भी बोल सकते हैं, कोई कोई डिंगला भी बोलते हैं, कोई कोई बोलते हैं कोड़ा है, जो भी है आप लोग जो समझ जाएगी हो। उसके बाद ये तीन परवल ली हूँ, एक काला बैंगन ली हूँ, तीन टमाटर ली हूँ। दोस्तों, इसका मिक्स भाजी मसालेदार बहुत अच्छे से बनाने वाली हूँ मैं। रेसिपी में अंत तक बनी रही है। ये सब जो है ये कावला कावला डंडी है, इसको दे देंगे हम और जो बूढ़ा है उसको फेंक देंगे। तो हम इसको काटने जा रहे हैं, आप अंत तक बनी रही मेरे साथ। ये देखिए दोस्तों, ये पोई का भाजी को हम जो खराब खराब पता रहेगा उसको तोड़ के निकाल लेते हैं और ये अच्छा रहेगा ना। हम कैसे काटेंगे, ये देखिए ये कावला है, मैं पीछे वाला हिस्सा काट के फेंक दी हूँ, बूढ़ा वाला ये कावला है। तो हम ऐसे काटेंगे, देखिए ऐसा रहेगा ये। हाँ, हमको ये करना नहीं है, बड़ा बड़ा जो पता रहेगा उसको दो टुकड़ा करने का है, बस ऐसे काटने का है हमको सब सब्जी को, और इसको बीच से तोड़ देने का है जो पत्ता है। ये देखिए दोस्तों, कोई का भाजी हमको ऐसे बड़े बड़े हिस्से में ऐसा करके काटना चाहिए, काटना पड़ेगा। उसके बाद परवल का जो है हम छीलेंगे नहीं, ऐसे करके ऊपर से तो छिलका निकालेंगे। परवल को ऐसे बीच से कर लेंगे और उसको तीन टुकड़ा में काट कर लेंगे ऐसे और ऐसे। देखिए बटाटे को भी अच्छे से छील ली हूँ और इसको भी ऐसे तीन टुकड़ा में चार टुकड़ा कर लेंगे। देखिए दोस्तों, मसाला हम पीसने जा रहे हैं। मसाला में लहसुन 4 से 5 कली ली हूँ और अदरक आधा इंच का एक टुकड़ा ली हूँ और ये काला वाला दाना वाला राई है 2 चम्मच खाने वाला चम्मच में और धनिया 2 चम्मच और ये काला मिर्च का काला मिर्च दाना है 15 से 16 और ये जीरा है बड़ी चम्मच में 1 चम्मच और ये है 5 सूखी मिर्च। सबको पीस लेते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये लाल मिर्च है और काला मिर्च ये है, तो मिक्स करके एक साथ ही पीस लेते हैं। कढ़ाई गरम हो गया दोस्तों, बड़े चम्मच में 1 चम्मच राई का तेल लेंगे, थोड़ा सा हींग डाल देते हैं और एक ये दालचीनी और ये बड़े वाले इलायची, कड़ी पत्ता, ये है दोस्तों 5 फोरन, मीडियम साइज का 1 कांदा, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, देखिए दोस्तों प्याज पक गए हैं, पिसा हुआ मसाला ऐड कर देते हैं। कसूरी पाउडर 1 चम्मच है, मसाला भून गया है दोस्तों, टमाटर ऐड करते हैं। टमाटर 2 मिनट हो गया है दोस्तों, इसमें बटाटा ऐड करते हैं। बटाटा को 1 मिनट फ्राई करेंगे दोस्तों, उसके बाद परवल वगैरह डालेंगे। बटाटा 1 मिनट हो गया है, अभी परवल को देते हैं, बटला को दे देते हैं। ये सब हम 1-1 मिनट सबको पहले पका लेंगे, उसके बाद 1-1 मिनट के बाद बटला, 1 मिनट के बाद परवल ऐसा देंगे। पहले सबसे पहले टमाटर भूनने के बाद बटाटा को 1 मिनट उधर भून लेंगे। बैंगन ऐड कर देते हैं दोस्तों, अभी पूरी का सब्जी दे देते हैं। नमक दे देते हैं दोस्तों स्वाद अनुसार, मसाला में तो सब पीसा हुआ है, मसाला नहीं ऐड करेंगे, नमक स्वाद अनुसार देते हैं। मसाला में मैं हल्दी पाउडर थोड़ा दिए थे, थोड़ा कम लग रहा है, 1 छोटा चम्मच में 1 चम्मच दे देते हैं दोस्तों। अभी इसको थोड़ा सा जो मसाला पीसे थे उसमें पानी थोड़ा सा मिला करके इसी पानी को देंगे और पानी ऐड नहीं करेंगे, इसको
10 से 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा लगा के बीच बीच में हालते रहेंगे, चलाते रहेंगे। देखिए पानी कितना निकल रहा है दोस्तों, इसको पानी दिया नहीं, इसलिए पानी मैं दे नहीं। इसको अब 2 से 3 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उससे पहले इसका इसमें आधा चम्मच, ये देखिए थोड़ा सा शक्कर मैं दे दी हूँ, आधा चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करने के लिए 2 मिनट रखेंगे, उसके बाद ही गैस बंद करेंगे। देखिए दोस्तों सब्जी एकदम बढ़िया से पक गया है। आप लोग पानी थोड़ा ऐड करिएगा तो गैस ज़्यादा तेज़ करके जलाइएगा, और पानी नहीं दे रहे तो गैस कम करके ढक्कन लगा लगा के बीच बीच में इसको चलाते हुए चाटू रखने का, तभी अच्छे से देखिए कैसा बिना पानी में अच्छे से पक गया है। अब सॉल्व करते हैं खाने का। ये देखिए दोस्तों बंगाली टाइप का पोई का रेसिपी बन के रेडी हो गया है। ये दोस्तों गांव में इसको बहुत लोग खाते हैं, तो ये हम भी खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये रेसिपी कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और नया है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे बना के रेसिपी एक बार ज़रूर खाइएगा, परोठा रोटी चावल के साथ सबके साथ खा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय।